स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं गांव झिंगावन में, जो कि अटेली विधानसभा का गांव है। यहां हम सर्वे करने के लिए आए हैं। चौधरी की चौपाल जो हमारा कार्यक्रम है, उसके तहत हम सर्वे कर रहे हैं और इन लोगों से हम जान लेते हैं इनके राजनीतिक विचार क्या है, इनके हिसाब से लोकसभा में और विधानसभा में किसकी सरकार बन सकती है। आइए हम इनसे जान लेते हैं। बाबा आप बताइए, आपको क्या लगता है कि लोकसभा में किसकी सरकार बनने वाली है? भाई जो ये मोदी। चलो हम इनसे जान लेते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली। आप बताइए सर, किसकी सरकार मोदी की बनने वाली? और थोड़े दिन के अंदर एक्चुअली हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उनमें किसकी सरकार बनेगी? विपरीत सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है किसकी बनेगी? क्योंकि अब की बार दो पार्टियां नहीं है, एक तो जेजेपी नहीं और एक आम आदमी पार्टी जो कूद चुकी है अब की बार इलेक्शन में, तो ये दो पार्टियां नहीं है। वन नई पार्टी। हाँ, तो आपको कौन सी जेजेपी की सरकार बनती है? जी सर। सर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की ऊपर वाली सरकार, और नीचे यहाँ जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें? अच्छा, उसका नहीं पता आपको। चलो और भी लोग जान लेते हैं। बाबा आप बताइए, आपको किसकी सरकार? सरकार से बाकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से किसकी बनेगी? हमारे बीजेपी बनाएगी। आप बताइए। सब बीजेपी चले और नीचे भी संतोष बीजेपी आएगा। जेजेपी पार्टी। जेजेपी पार्टी अब की बात तो एक और पार्टी भी है इलेक्शन में, नहीं उसको कोई आम आदमी पार्टी कोई महत्व को आम आदमी पार्टी की जी हमारे कोई छवि नहीं। और बीजेपी की सरकार? जी बीजेपी को भी खैर वोट ठीक है, बीजेपी सरकार ने काम ठीक किया, लेकिन हमारे ज्यादातर वोट जी सेंट का ही। कांग्रेस के बारे में क्या? कांग्रेस का वोट नहीं है कभी। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं झिंगावन गांव में कि उनको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि लोकसभा में किसकी सरकार आएगी आपके बारे में? महाराष्ट्र दिया जाए तो मोदी सरकार आएगी। और जो आपके विधानसभा इलेक्शन होंगे कुछ दिन में, अक्टूबर के आसपास में वो भी इलेक्शन है हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? भैया तो कोई भरोसा को नहीं। अच्छा जी, अभी एक लिबास है। अच्छा, क्योंकि दो पार्टियां और नहीं आई है इसके बाहर, एक जेजेपी है जो दुष्यंत चौटाला जिसके प्रमुख है, दूसरी पार्टी एक और है आपकी आम आदमी पार्टी, तो उनका आपको क्या लगता है? आम पार्टी के जो जी, और जेजेपी? जेजेपी ठीक है। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस तो फ्रेश हो। आप बताइए। बीजेपी। अच्छा, और विधानसभा में? विधानसभा में कौन जी बताइए? मोदी। नहीं वो तो लोकसभा में है ना, मोदी तो प्रधानमंत्री बनेगा लोकसभा में। विधानसभा जो हरियाणा के इलेक्शन होंगे उनमें आपको क्या लगता है? यो खटरा हमारे साथ एक युवा भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम जान लेते हैं उनके विचार क्या है। काफी देर से वो आगे आगे हो रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो आइए। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है? भाई बीजेपी और विधानसभा में बीजेपी आओगी। तो हमने इन लोगों से जाना, इनके विचार जाने, आइए हम आगे चल। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार। झिंगावन गांव में कुछ लोग और भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे हम जान लेते हैं कि उनके राजनीतिक विचार क्या है, उनके हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि लोकसभा में किसकी सरकार बनने वाली है? ऊपर वाले मोदी वाले बनने वाले जी। और अक्टूबर के आसपास में आपके इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो उसमें किसकी सरकार आपको हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही? यहाँ भी मोदी की सरकार, क्योंकि यहाँ तो आपको यही लग रहा है कि यहाँ भी जो इलेक्शन होंगे हरियाणा के अंदर वो भी मोदी के चेहरे पे होंगे। मोदी का। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है? मोदी दोनों जगह। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है? भाई नेता तो मोदी अच्छा है जी, बट पूरा गठबंधन सरकार हरियाणा में गठबंधन की सरकार आपको लग रही है? और वो गठबंधन किस किसका होगा? गठबंधन इनोला का और बीजेपी का हो सकता है जी, और इसका जेजेपी का और आप पार्टी का हो सकता है जी, बट कांग्रेस तो दो पार्टी पहले ही आप पार्टी जेजेपी का जीत चुना और उसने बीजेपी है वो कोशिश कर रही है पूरा पूरा गठबंधन हो जाएगा
आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें किसकी आएंगी हरियाणा में? सीटें तो बस टक्कर की आएंगी बीजेपी की। अगर चौटाला इन्हें लग जाता है बीजेपी ज्यादा है, अगर चौटाला बाहर आ गया तो इन्होंने जीत ज्यादा है। चलो ठीक है, हमारे साथ एक जन और भी मौजूद है, उनसे भी जा लेते। सर आप बताइए आपके हिसाब से किसकी सीटें रहेगी हरियाणा के अंदर और लोकसभा चुनाव? तो हमने यहाँ से भी रुझान जाने, आइए हम आगे चलते हैं और कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके राजनीतिक विचार क्या है। निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सेवा उद्देश्य है हमारा। BLN पब्लिक स्कूल, विलेज झाड़ोदा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। कठिन परिश्रम में विश्वास रखते हैं और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में कोसली क्षेत्र में BLN हाई स्कूल झाड़ोदा उन्नति पर होगा। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है और इसका रिजल्ट जो है वो 100% रहता है। पिछले वर्ष जो है हमारे विद्यालय में 18 मेरिट और 16 फर्स्ट डिवीजन आए। झिंगावन गांव में कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की सरकार आने वाली है, बीजेपी की सरकार आने वाली है। और विधानसभा इलेक्शन में, क्योंकि कुछ दिन के बाद में विधानसभा इलेक्शन भी है अक्टूबर के आसपास, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी या फिर वो नई पार्टी अभी आपके पास आती है, अभी एक तो आम आदमी पार्टी और एक जेजेपी है, उनकी सरकार आ सकती है, कोई मिला जुला गठबंधन वगैरह सब? नहीं, ऐसा है कि हमारी तरफ से तो बीजेपी ही आनी है, मिला जुला के गठबंधन की कोई सरकार नहीं आएगी यहाँ पर। फिलहाल तो ऐसा है कि हम तो ये है ना, नरेंद्र मोदी है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, न्याय का न्याय है, दूध का दूध है, पानी का पानी है। सर आप बताइए आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार लोकसभा में बनने वाली है? मोदी सरकार आनी चाहिए लोकसभा, मोदी आएगा जी। और विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का नाम है बीजेपी आएगी। तो यहाँ से भी हमने जाना, इनके विचार जाने, आइए हम आगे चलते हैं, कुछ लोगों से और जानते हैं कि उनके राजनीतिक विचार क्या है।